नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आजकल कुछ नई स्टाइल उपयोग कर रहे हैं हम, जिसमें कि आपको हम बता रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये स्थिति है, और आपसे लाइव बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा किसान भाइयों से इंटरेक्शन हो सके। आज मैं बात करूँगा जो आपके क्वेश्चन आंसर थे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसके जवाब दूंगा, जो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि अभी आते हैं मुझे। तो एक क्वेश्चन है जो सबसे कॉमन चल रहा है कि JS 2117, 2107, 2172 में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रायल्स लेती है वैरायटी के जीनोटाइप्स को, वो एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद उसे खेतों में लगाती है। उसके करीब 7 से लेकर 9 सेंटर है जिसके ऊपर अलग अलग सोयाबीन को टेस्ट किया जाता है, फिर उसका आकलन किया जाता है कि वो किस हिसाब से प्रोडक्शन दे रही है, फिर उसको निकाला जाता है। तो जो 2107 है, 2117 ये है क्या, ये आया कहाँ से? तो ये पहले वैरायटी टेस्ट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, 2107 पहले टेस्ट हुआ था, फिर 2117 टेस्ट हुआ था। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां लगी होगी, जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्ट दिखाया होगा, इसलिए उनको रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन क्या है कि कुछ किसान भाइयों के पास उसका हल्की फुल्की मात्रा में सीड आ चुका था, उन्होंने उसको मल्टीप्लाई करके धीरे धीरे करके किसानों को देना चालू कर दिया, तो वो एक समय पर अपने क्षेत्र में एक किस्म बन गई। लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अगर उसे सर्टिफाइड नहीं किया है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसको थोड़ा कम उपयोग करें, ट्रायल भी करें तो लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाई अपने खेतों में ना करें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि हर एक पैमाने पर एक वैरायटी को टेस्ट करती है, उसके बाद ही रिलीज़ करती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होना ही चाहिए जो कि किसानों को फ़ायदा दे, तो ही वो रिलीज़ होती है। तीसरी बात थी कि भाई साहब हमें टॉनिक बताइए जिससे कि हमारे फल फूल बहुत अच्छे बढ़ जाएं। इसके लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि टॉनिक का वर्ड आप उपयोग ना करा करें। टॉनिक का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनके ऊपर मेंशन ही नहीं होता कि उसके अंदर कंटेंट क्या दिया गया है, और वो टॉनिक के नाम पे आपको धड़ल्ले से मिल रहे होते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो चीज़ें आपका सिर्फ पैसा ख़राब करती है। अगर आपको डालना ही है तो आप एक काम कीजिए, आप 0-54-34 डालिए, अमीनो एसिड डालिए, फल्विक एसिड डालिए, और न्यूट्रिएंट में जो भी मिल रहा है, जैसे आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप कॉम्बिनेशन डालिए जो कि हमारे पौधों को बूस्ट दे कि वो अपना क्लोरोफिल अच्छा बनाए और अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखे। कोई भी दवाई ऐसी ना उपयोग करें या टॉनिक ऐसी ना उपयोग करें जिसके ऊपर लिखा ही नहीं हो कि ये क्या है, लेकिन किसान भाई को दे दी गई है कि भैया ये बहुत अच्छा टॉनिक है। दवाइयों को टेस्ट करें, उसी के बाद उपयोग करें। और मेरे हिसाब से तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और उसके साथ में अगर आपको समस्याएं हैं, जैसे हाइट की समस्या है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ आप जिबरेलिक एसिड डाल सकते हैं। अगर आपको फ्लावरिंग के टाइम पे डालना है तो आप अमीनो एसिड डाल सकते हैं, लेकिन कंटेंट लिखा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में कंटेंट लिखा होगा उतना ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, और ये चीज़ें लिखी हुई है। अभी हमारे किसानों के लिए आता है कि ये एक टॉनिक है XYZ, इसके अंदर केमिकल कंटेंट या क्या न्यूट्रिएंट है ये कुछ नहीं लिखा रहता, और किसानों को दे दिया जाता है जिससे कि किसानों को आर्थिक हानि पहुँचती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। तीसरा जो कमेंट आया था कि भैया आप जो मोबाइल नंबर है आपका वो हमें देते नहीं हैं, हम आपसे बहुत बार पूछ लिए हैं। तो मोबाइल नंबर देने में थोड़ा सा एक समस्या ये है कि मैं भी खेती करता हूँ, हमारे पास भी आप पीछे देख रहे होंगे कि खेती वगैरह है, तो थोड़ा समय की समस्या होने की वजह से मैं क्या है कि सभी लोगों के कॉल अटेंड नहीं कर पाता, और उससे फिर नाराज़गी आती है, इसलिए मैं नंबर जो है वो आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आती है वैरायटी की बात कि आपको 2172 कहाँ से मिला, ये कमेंट भी मेरे पास जब बहुत बार आया है। तो वैरायटीज़ जो है वो कोई ना कोई के पास आपको मिली जाएगी, आप अगर सर्च करेंगे तो हमारे इंडिया में काफ़ी जागरूक किसान हैं, सोयाबीन के भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि वैरायटीज़ के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, तो उनके पास से थोड़ा थोड़ा बीज मिल जाता है, तो उसको हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या स्केल पे हमारे यहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है। फ़िलहाल की स्थिति जो है सोयाबीन की हमारे यहाँ ठीक है, उतना अच्छा तो हम नहीं कह सकते, हर साल जैसा नहीं है क्योंकि इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरा हरदा रीजन में, फिर भी स्थिति बेहतर है।
और बाकी क्या क्षेत्र है आपका जहाँ पर क्या स्थिति लग रही है, कौन से वैरायटी की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है उसको आप कमेंट करो, ताकि क्या है कि किसानों को एक आइडिया हो सके कि हमारे क्षेत्र में कौन सी वैरायटी का परफॉर्मेंस तेज आ रहा है या फिर कौन सी वैरायटी का इम्प्रूवमेंट अच्छा आ रहा है, रेजिस्टेंस अच्छा आ रहा है, तो वो आने वाले समय में किसानों के पास लार्ज स्केल पर जा सके। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया था और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे कुछ लाइव स्टाइल में, जिसमें कि हम आपको प्लॉट में दिखेंगे और डिटेल्स दिखेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।